हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, और आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि किसी भी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं और किसी भी जगह पे आप जॉब करने के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे हिसाब से आज जो टिप्स आपको दिखाऊंगा, जो ट्रिक्स एंड टिप्स आपको दिखाऊंगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है इसी कैटेगरीज के, और बहुत जगह पे आप जब काम करेंगे एक्सेल रिलेटेड, तो आपको इस तरीके से कैटेगरीज के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आज मैं क्या आपको सिखाऊंगा वो सबसे पहले देख लीजिए, वो सबसे पहले देखिए क्या आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए, आज मैं सबसे पहले आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी स्टेट को ड्रॉप डाउन लिस्ट के हिसाब से मतलब देख सकते हैं। उसके बाद में डायनामिक आपको मैच फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है, उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो ध्यान से इस सारे चीज को देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि डायनामिक जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, जिस तरीके से डायनामिक चीजों को यूज किया जाता है एक्सेल में, वो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि आपको सारे चीज डायनामिकली करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो कर पाए तो आपका जॉब भी मिलेगा, उसके साथ साथ पहले से आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली प्रमोशन भी मिलेगा। तो सारे चीज इस डिटेल्स वीडियो में देखिए, और जितने सारे लोग एक्सेल के मेरे प्रीवियस सीरीज नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक करके सारे वीडियोस को देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से बना जाता है। देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेट के नाम यहाँ पे दिया हुआ हूँ, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, तो कोई भी कैटेगरीज के डेटा हो सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का डेटा भी हो सकते हैं, कुछ मतलब कस्टमर का नेम भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कौन सा प्रोडक्ट लिया वो भी आप देख सकते हैं। तो अलग अलग डेटा हो सकते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे स्टेट वाइज दिखाया हूँ, आप कुछ भी डेटा ले सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा को आप किस तरीके से ड्रॉप डाउन बनाएंगे, मान के चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आपको जाना कहाँ पे है, डेटा टाइप में। आप डेटा टाइप में जाएंगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेटा वैलिडेशन का, चलो एक बार मैं आपको जूम करके ही दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, डेटा वैलिडेशन, तो इस ऑप्शन में आपको जाना है। तो डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाना, उसके बाद यहाँ पे तीन अलग अलग ऑप्शन आपको दिखेगा। देखिए डेटा वैलिडेशन आप देखेंगे तो अलग अलग जो क्लियर है और सर्कल जो मतलब इनवैलिड डेटा है, इस तरीके से कुछ डेटा आपके साथ शेयर किया गया है। तो हम लोग जाना कहाँ पे है, हम लोग जाना है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में। ध्यान रखिएगा, जब डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाएंगे उससे पहले जिस सेल में आप डेटा को लेना चाहते हैं उस सेल के ऊपर क्लिक करिए, उसके बाद डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाइए और डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में क्लिक करिए, और आपको उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे देखिए एनी वैल्यू लिखा है, उसके बाद आपको जाना है लिस्ट ऑप्शन में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन में आपको जाना है, जिस लिस्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखेगा, जहां पे आपको बताया गया है कि सोर्स आपको लेना है। सोर्स मतलब जिस सोर्स के अंदर सारे डेटा होंगे, तो सोर्स में क्लिक करना, उसके बाद इस सारे हेडिंग्स को सिलेक्ट कर देना, मतलब यहाँ से जितने सारे हेडिंग्स दिख रहे हैं इस सारे हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेना। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना क्या है, इस बटन में क्लिक करिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। देखिए आसानी से सारे स्टेट यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब ऐड भी कर सकते हैं, आप कहेंगे सर अगर मान के चलिए और एक स्टेट अगर ऐड करूँ यहाँ पे तो वो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए फिर से वही डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाना है, इस बटन में क्लिक करिए, जब सिलेक्ट कर रहे तो और भी एक सेल एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर दीजिए, तभी आपको सारा ऐड हो जाएगा। तो अभी मेरा तो इतना ही सेल है, इतना ही मैं लेकर यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक था, क्योंकि इस तरीके से इंफॉर्मेशन मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। अभी जो मैं स्टेट चूज करूंगा उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे कोई भी एक स्टेट का नंबर आपको दिखेगा, मगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टेट अगर चूज करूँ तो उसके अगेंस्ट में उसके जितने सारे डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नेम आपके साथ यहाँ पे डायनामिकली आपके साथ शो करे। तो आप कैसे करेंगे, चलो मैं आपको आज सिखाऊंगा मैच फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है। ध्यान से देखना, ध्यान से सारी चीज को देखना, एक एक करके मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला देने के लिए इक्वल तो देना ही होगा, ये बात तो आपको पता ही है। उसके बाद आपको लिखना है इंडेक्स, ध्यान से देखना इंडेक्स, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना। तो इंडेक्स क्या होता है कि आपको इंडेक्स में बोला जाता है कि आप जिस डेटा के ऊपर मतलब फॉर्मूला देना चाहते हैं, जिस डेटा के ऊपर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, उस डेटा को आप सिलेक्ट करिए, मतलब उस सारे डेटा को आप सिलेक्ट करिए। यहाँ पे मेरे पास क्या है, सारे डेटा है, तो सारे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे करना क्या है, लॉक करना है। अभी इसको लॉक मतलब
फ्रीज करना है। तो फ्रीज करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F4। देखिए F4 का मतलब है F का मतलब टेक्स्ट का F और न्यूमेरिक का F इस तरीके से, सॉरी न्यूमेरिक का 4 इस तरीके से नहीं, फंक्शन की ऊपर में जो F1 F2 F3 F4 दिख रहा है वहां पे आपको F4 पेस करना है। तो F4 पेस करिए, यहाँ पे लॉक हो जाएगा मतलब फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद कॉमा देना है, उसके बाद आपको देना है क्या 0। 0 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, रो नंबर। रो नंबर मतलब यहाँ पे कौन सा रो से मुझे डेटा चाहिए वो यहाँ पे पूछा रहा है, मतलब पूछ रहा है। तो मुझे कोई रो नहीं लेना है तो इसलिए मैं 0 दे रहा हूँ, कॉमा दे दिया। अभी मुझे यूज करना है मैच फंक्शन। इसका मतलब इसमें इसके अंदर जितने डेटा है इसमें हम मैच फंक्शन को इसलिए यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे जो टेक्स्ट में लिखा हो उसी का डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे लिखा हो मैच MATCH, तो मैच लिखिए, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। अभी आपको बताया जा रहा है कि देखिए लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मतलब कौन सा डेटा के हिसाब से आएगा। तो देखिए लुकअप वैल्यू कौन सा है, इस सेल में, मतलब इस सेल के डेटा के हिसाब से आएगा। तो इस सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद F4 से फिर से लॉक कर दिया। ध्यान रखिएगा हमेशा आपको लॉक इसलिए कर लॉक किया जा रहा है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। कॉमा दीजिए, उसके बाद बताया जा रहा है कि लुकअप वैल्यू मतलब यहाँ पे जो स्टेट का नाम है वो सेल कौन सा है, मतलब इसी सेल के अंदर सारे स्टेट है तो इसी सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर से लॉक कर दिया F4 से। कॉमा देकर आपको करना क्या है, 0 पेस्ट करना है। 0 का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मैच, मतलब मैं जो डेटा लेना चाहता हूँ वो एग्जैक्टली मैच करे, तो इसलिए मैं 0 पेस्ट करूंगा। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, देखिए ये सॉरी एंटर करने से पहले आपको ये करना है, दो ब्रैकेट क्लोज करना है क्योंकि पहले इंडेक्स का भी ब्रैकेट था उसको भी क्लोज करना है, उसके बाद एंटर करिए। देखिए आंसर तो आ गया, तो आप कहेंगे सर बाकी आंसर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल का, यहाँ पे कोलकाता तो आ गया, बाकी डेटा कहाँ पे चला गया। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, इसको ड्रैग करना है, देखिए सारा डेटा आ जाएगा। अब कितने शानदार तरीके से डायनामिकली हो चुके हैं आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल के बाद मैं कोई भी महाराष्ट्र चूज कर लेता हूँ, देखिए महाराष्ट्र का सारा डेटा यहाँ पे शो करेगा। और भी देखिए यहाँ पे दिल्ली चूज कर लेता हूँ, दिल्ली का भी डेटा आ जाएगा, उसके बाद असम चूज कर लेता हूँ, असम का भी डेटा आ जाएगा। तो कितना आसान है ना। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से आपको सारे चीजों को ध्यान से सीखना होगा। अगर इस तरीके से फॉर्मूला, इस तरीके से ट्रिक्स आपने सीख लिए तो आपको किसी भी जगह पे काम करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हाँ, जो क्वेश्चन आया था, मतलब क्वेश्चन आप पूछेंगे, मैं जरूर जानता हूँ कि सर बार बार आप यहाँ पे लॉक क्यों कर रहे थे। देखिए लॉक करने का मतलब है, देखिए लॉक करने का मतलब है फ्रीज। फ्रीज का मतलब क्या है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हिसाब से आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने आपको यहाँ पे 2 नंबर दिया और यहाँ पे आपको 20 लिख दिया। तो आपको अगर बोला जाए, मैं थोड़ा सा इधर आता हूँ, हाँ देखिए आपको अगर बोला जाए कि इसके साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आना चाहिए, तो आप करेंगे क्या, इक्वल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इंटर करेंगे तो आंसर तो आ गया। तो अब जब ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आना चाहिए था, मगर आंसर नहीं आया, क्यों, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ। अगर वही चीज मैं नीचे वाला सेल में दिखाऊंगा तो इसके साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ, इस घर में तो नहीं है, मुझे करना चाहिए था किसके ऊपर, इस 20 वाला सेल के ऊपर। तो इसीलिए इस 20 नंबर जो सेल है, इस सेल को लॉक करने के, मतलब लॉक इसीलिए किया जाता है कि वो सेल लॉक हो जाए कि जब भी मैं ड्रैग करूं तो वही सेल लॉक होकर रहे। इसलिए यहाँ पे F4 प्रेस करिए, एंटर कर दीजिए, उसके बाद जब ड्रैग करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप नंबर पुट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होता जाएगा। कोई भी सेल के ऊपर डबल क्लिक करिए, देखिए आपको दिखाएगा इस सेल के साथ इस सेल का मल्टीप्लाई हुआ। तो अभी बात आपको समझ में आ चुकी है किस लिए मैंने यहाँ पे F4 पेस्ट किया था। तो आई होप वीडियो में आपको सारे जानकारी मिल चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना और एक लाइक जरूर करना। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं नया से नया इस तरीके से ट्रिक्स एंड टिप आपके साथ लेके आऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और किसी भी जगह पर काम करने के लिए बहुत आपको हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।